आज 2 सितंबर 2021 के अंदर बॉर्डर ओपनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की इंटरनल बॉर्डर ओपनिंग, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग के ऊपर, तो आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ स्टेट्स ने पोजीशन ये ली है कि हम आपस में भी बॉर्डर्स नहीं खोल रहे। कुछ स्टेट्स जो हैं वो कहते हैं नो मैटर व्हाट हम अपने लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं रिलैक्स्ड। क्वींसलैंड ने और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पोजीशन ली है, और उसके अलावा न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इन्होंने क्या पोजीशन ली है, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। और तकरीबन 9.2 मिलियन डोजेस चाहिए इस टाइम वैक्सीनेशन की पूरे ऑस्ट्रेलिया को 70% डबल डोज करने के लिए, तो आज मैं इस हवाले से भी बात करूंगा। आप इस सिनेरियो को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। माइग्रेशन के हवाले से हम कंसल्टेशन या फ्री कंसल्टेशन समटाइम्स रन करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल हों। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर ओपनिंग्स के हवाले से। अच्छा, क्वींसलैंड ने ये कहा है कि भाई हम बॉर्डर नहीं खोलने वाले जब तक के जो हमारे बच्चे भी हैं, इवन जो 12 ईयर्स ओल्ड हैं, वो भी वैक्सीनेटेड हो जाएं, इससे पहले हम बॉर्डर नहीं खोल रहे। ये आपस की बॉर्डर ओपनिंग की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखें कि जो कॉमनवेल्थ है यानी फेडरल गवर्नमेंट है वो डिटरमिंड है 70% डबल डोज हो जाएगी, बॉर्डर्स को खोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा होम क्वारंटीन के हवाले से, उनकी कल का ये बयान था कि होम क्वारंटीन की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब है ऑब्वियसली जब होम क्वारंटीन फैसिलिटीज जो बढ़ जाएंगी तो जो इनटेकिंग की कैपेसिटी है इनकी वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, क्वींसलैंड की जो प्रीमियर है उन्होंने एक तो ये कहा, दूसरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ने कहा कि हम जो है जो फेडरल है वो हमारे जो लोगों को इन्फेक्ट करना चाहते हैं, हम भी बॉर्डर नहीं खोल रहे। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया से तो बिल्कुल ही नहीं खोल रहे हैं बॉर्डर्स। तो ये आपस में ये इनकी ये सूरत हाल है इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के साथ हम कई महीनों बॉर्डर्स को बंद रखें, वहां पे जी सूरत हाल ठीक नहीं चल रही। इसी तरह ट्रायर जॉश ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि कितना रिडिकुलस होगा कि आप न्यू साउथ वेल्स से कनाडा तो जा सकते हैं लेकिन न्यू साउथ वेल्स से आप क्वींसलैंड नहीं जा सकते, तो ये एक बड़ी सूरत हाल इस तरह की पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये कहा जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं उन्होंने ये कहा है कि 23 जो है यानी 23 सितंबर से हम रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, जबकि जो एडल्ट्स हैं उनकी 70% उन वो जो एडल्ट्स हैं उनको डोज हो जाएगी, तो हम 23rd of September से रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स कर देंगे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और विक्टोरिया में कल तकरीबन 112 लोग केसेज आए हैं कोविड के हवाले से जो लोग इन्फेक्टेड हैं। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स के जो लोग हैं इन्फेक्टेड वो 1116 रिकॉर्डेड केसेज हैं जो कि लोग इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन स्टिल प्रीमियर जो है न्यू साउथ वेल्स की उन्होंने ये कहा कि 13 सितंबर से हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस ईज कर रहे हैं जिन्होंने डबल डोज ले ली है वैक्सीनेशन के लिए। तो इन्होंने बेसिकली वही बात की, वही वादा पूरा किया जो कि कह रहे थे कि डबल डोज लेंगे जो लोग, हम उनको रिलैक्सेशन देंगे। तो 13 सितंबर से ये हो रहा है, आज 2 सितंबर है, 13 सितंबर से न्यू साउथ वेल्स के लिए तो ये रिलैक्सेशन या रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जो क्वींसलैंड की प्रीमियर है, चूंकि देखें ये जो नेशनल प्लान है ना ये जो हर्टी इंस्टीट्यूट के अंडर या उन्होंने ये चाकआउट करके दिया उसके अंडर चल रहा है जो फोर फेज प्लान है या नेशनल प्लान है। उन्होंने कहा कि जो क्वींसलैंड की प्रीमियर ने कहा कि इन्होंने बेसिक चीजें मिस की हैं इसके अंदर, जैसे बच्चों को इन्होंने नहीं लेके आए, तो भाई मेरे सामने फैक्ट्स लेके आए, ये स्लाइड शो मेरे साथ रन ना करें कि आप हम इस तरह बॉर्डर्स खोल लेंगे बॉर्डर्स। अगर क्वींसलैंडर मेरे लिए प्यारे हैं, हम क्वींसलैंड के बॉर्डर्स नहीं खोलने वाले। इसके अलावा अगर जॉश जो फ्राइडनबर्ग जो ट्रेयरर हैं उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू किड्स वी गॉट टू वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट द मेडिकल एक्सपर्ट टेल अस अबाउट द इंपैक्ट ऑन किड्स। उन्होंने कहा कि ये कह तो रहे हैं पॉलिटिक्स में कि बच्चे जो हैं वो भी इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए, हमें बच्चे बड़े प्यारे हैं, उन्होंने कहा जब बच्चों की बात आती है ना तो हमें मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, हमें अपनी तरफ से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल एडवाइस लेंगे। और मेडिकल एडवाइस यही है कि बच्चों के ऊपर कम सीवियर रहता है इसका इम्पैक्ट,
कहने का मतलब ये है कि जो फेडरल ट्रेजरर हैं उनका ये कहना है कि जो क्वींसलैंड वाले इस पॉइंट के ऊपर ना आए कि हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, ये बच्चों को लेके बच्चों इसके ऊपर मेडिकल असिस्टेंस है या मेडिकल एडवाइस है उसको देखें आपके वो क्या कहते हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल है उसमें तकरीबन 60% ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर 60% जो एडल्ट हैं उनकी सिंगल डोज हो चुकी है, तकरीबन 35.7% जो है वो डबल डोज हो चुकी है। तो ये तेजी से इस तरफ जा रहे हैं कि डबल डोज हो जाए और डबल डोज करने के लिए 9.2 मिलियन जैब्स चाहिए। ये एक ये खबर है जो मैंने ये सारी खबर पढ़ी, इसमें मेरा एनालिसिस ये है अगेन कि इस साल के जो नवंबर की बात करें या दिसंबर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। आप डेवलपमेंट देखें, आप विद एवरी पासिंग डे डेवलपमेंट में ये बात हो रही है, बॉर्डर आपस में रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईज अप हो रहे हैं, उसके अलावा जो फेडरल है वो डिटरमिंड है 70% होगा हम रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि होम क्वारंटीन की तरफ जाएंगे जिससे इनटेक बढ़ेगी लोगों की, इंटरनेशनल जो लोग आने वाले हैं इनटेक बढ़ेगी और ज़्यादा इनटेक हो जाएगी। सबसे बड़ा जो पॉइंट जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं उन्होंने बहुत पोजीशन ली हुई थी, वो एक भी केस आता था दो भी आते थे बॉर्डर पर वो बिल्कुल लॉकडाउन कर देते। उन्होंने कहा इससे हम जो है ना हमें समझ ये आ गई है कि ये जीरो पे कुछ भी नहीं जाने वाला। इससे पहले न्यू साउथ वेल्स की जो प्रीमियर है उन्होंने भी बयान दिया कि जीरो पे कुछ भी नहीं होने वाला, दिस इज अनरियलिस्टिक। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स है जो तेजी से डेवलप हो रही हैं, चीजें हम भी हैरान हो जाते हैं समटाइम्स कि इतनी तेजी से चीजें चल रही हैं। तो ये आज 1 सितंबर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नवंबर तक बहुत ज्यादा चीजें रिलैक्स हो चुकी होंगी। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के हवाले से बात करें तो ये बेसिकली जो इंटरनल बॉर्डर्स हैं ये कोरिलेटेड हैं टू इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग। आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।